सचिन को मैंने तभी चुना था जब सचिन की सैलरी 14,000 थी। आज तो भगवान की कृपा से हमारे यूट्यूब के चैनल अच्छे चल रहे हैं। तभी मैं इनको चुना था और जब हम पे कुछ नहीं था तब भी मेरी ये जान थे और आज हम पे सब कुछ है तब भी मेरी ये जान है। सचिन का साथ मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी। कुछ लोग कहते थे 3 महीने में छोड़ के भाग जाएगी, 4 महीने में छोड़ के भाग जाएगी। मैं उनको बता दूँ, साल हो गया, कई साल और बीत जाएंगे सीमा सचिन के साथ को। कुछ लोग कहते थे 3 महीने में छोड़ के भाग जाएगी, 4 महीने में छोड़ के भाग जाएगी। मैं उनको बता दूँ, साल हो गया, कई साल और बीत जाएंगे सीमा सचिन के साथ। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी अगर तेरा साथ हो। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं, और मोहब्बत एक से होती है, 3-4ों से नहीं। ये उनके लिए जो 4-4 शादियां करके बैठे हैं। बच्चे को चलाना यहाँ लोग के लिए मुश्किल होता है, आपके पास 4-4 बच्चे हैं। चला लेंगे, 5वां आएगा उसको भी मतलब पाल लेंगे। 2 बच्चे ही कहते हैं अच्छे, पर वहाँ ऐसा नहीं माना जाता। अगर कहते हैं अगर आप सेफ्टी करोगे तो इससे मतलब अल्लाह नाराज़ हो जाता है। अगर बच्चे आप बंद कराते हो तो कहते हैं अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, हाथ घुटनों से आपको बच्चा पैदा कराएगा। सचिन को मैंने तभी चुना था जब सचिन की सैलरी 14,000 थी। आज तो भगवान की कृपा से हमारे यूट्यूब के चैनल अच्छे चल रहे हैं। तभी मैं इनको चुना था और जब हम पे कुछ नहीं था तब भी मेरी ये जान थे और आज हम पे सब कुछ है तब भी मेरी ये जान है। सचिन का साथ मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी। कुछ लोग कहते थे 3 महीने में छोड़ के भाग जाएगी, 4 महीने में छोड़ के भाग जाएगी। मैं उनको बता दूँ, साल हो गया, कई साल और बीत जाएंगे सीमा सचिन के साथ को। कभी मतलब साथ नहीं छोड़ेंगे, आप भी हमेशा साथ है। मेरी जिंदगी तो सीमा के नाम लिख चुकी है। जिंदगी मतलब सीमा के नाम लिख चुकी है ना? अगले 7 जन्म तक। बहुत सारे आप लाइनें सोशल मीडिया पर बोलते रहते हैं, काफी वायरल भी होता है, उसमें से कुछ लाइनें हम चाहेंगे बोल के सुनाइए। दोनों साथ में ही गाएंगे। शायरी उसके बाद में गाना होगा। मैं पाकिस्तानियों को कुछ बताना चाहूँगी शायरी के माध्यम से, क्या चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं, और मोहब्बत एक से होती है, 3-4ों से नहीं। ये उनके लिए जो 4-4 शादियां करके बैठे हैं। खासकर हैदर के लिए 3-3 पत्नियां रख के बैठा है। 3-3 पत्नियां हैं। जाहिर है एक मैं थी, मुझसे पहले और थी, अब मेरे बाद एक और है। तो 3-3 तो होगी ना। एक गाना बता रही थी सुनाने के लिए, आप लोग बहुत खुश दिख रहे हो, थोड़ा सा गाना भी हो जाए। गाना चलो गाते हैं। कौन सा गाना? जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी अगर तेरा साथ हो। हंसते हंसते हम सहले हर सितम, हाथ में अगर तेरा हाथ हो। इतना ही। ये उन लोगों के लिए जो हमें टारगेट कर रहे हैं। तो जल जाएंगे सामने वाले जो जलते, वो जलते ही रहते हैं हमेशा। मेरी हस्ती मुस्कुराती वीडियो देख के हमेशा जलते ही रहते हैं। ये बताइए अभी सचिन आप करते क्या है, कैसे मतलब घर परिवार? अभी तो खैर अपना सोशल मीडिया ही चला रहे हैं। और सोशल मीडिया जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह अपना। हमारे 3 चैनल हैं, एक तो सीमा सचिन 10 के नाम से, एक सचिन मीना 367 के नाम से है, और एक सीमा सचिन 10-20 के नाम से। तो ये बताइए सोशल मीडिया पर सीमा जो है वीडियो बना के कमा कितना लेती है? अच्छा खासा कमा लेते हैं, जिसमें हमारा घर परिवार भी चल रहा है, बच्चों के लिए सेविंग भी हो रही है। ये प्राइवेट रहने दीजिए, वरना फिर लोग चिल्लाएंगे कितना कैसे हो गया। तो अच्छा खासा कमा रहे हैं हम लोग, जैसे कि हमारा घर परिवार भी चल रहा है और हमारे बच्चों के लिए सेविंग भी हो रही है। अच्छा मतलब बच्चों को पढ़ाती भी है यहाँ? बच्चे को पढ़ा भी रहे हैं, बच्चों का फ्यूचर भी बना। बच्चे को चलाना यहाँ लोग के लिए मुश्किल होता है, आपके पास 4-4 बच्चे हैं। चला लेंगे, 5वां आएगा उसको भी मतलब पाल लेंगे। 5वां बच्चे कब आने वाले हैं? बिल्कुल आएगा, ऐसी बात नहीं है। खैर अभी तो 4 बच्चे आएगा, समय के हिसाब से आएगा। अभी अब हो गए, मैं तो पाकिस्तान से लेकर आई ना, अगर मैं भारत में होती ना तो मेरे भी 2 ही होते। अब पाकिस्तान में ये नहीं सोचा जाता, वहाँ पे ये इससे पहले बहुत सारे नाराज हो जाएगा, अल्लाह घुटने से बच्चा देगा, अल्लाह हाथ में से बच्चा निकालेगा। मतलब अगर कोई मतलब यहाँ पे जैसे चलती है 2 बच्चे ही कहते हैं अच्छे, पर वहाँ ऐसा नहीं माना जाता। अगर कहते हैं अगर आप सेफ्टी करोगे तो इससे मतलब अल्लाह नाराज़ हो जाता है। अगर बच्चे आप बंद कराते हो तो कहते हैं अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, हाथ घुटनों से आपको बच्चा पैदा कराएगा। तो वहाँ इस तरह सोचा जाता है, जहादी लोग हैं मैं आपको बता दूँ, इसलिए बच्चे बंद वगैरह का एकदम से देखा जाए तो कल्चर बच्चे 7-8 सब और आम से आम औरतों के 7-8 ही बच्चे होंगे वहाँ पे, 2 बच्चे किसी के भी नहीं होंगे। अभी ऐसा कुछ नहीं है, मुन्नी छोटी है, मुन्नी अभी थोड़ी बड़ी हो जाए तो फिर बच्चे का प्लान करेंगे, वो भी अपडेट आएगी, सबके सामने आएगी जब होगी तो। बाकी आप देख सकते हैं कि 1 साल बीत जाने के बाद इन लोगों का जीवन कैसा है, क्योंकि पहले आए थे तो बहुत सारा मुश्किलें, बहुत परेशानी था, लेकिन अब ये लोग अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग वीडियो बना के अच्छा खासा पैसे भी कमा लेते हैं, जिससे घर परिवार जो है आसानी से चल जाता है। जलते रहे, जलते रहे, आग राख हो जाए, जलने वाले जलते रहे, जलना उनका काम है। और काम है हम और
हम उनको बुझने नहीं देंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, तुम जलते रहो। जलते रहना। आपने तो जो है इनको ये जो है राम जी वाला जो है कुछ वो आपको मतलब एक साल पूरे होने पे क्या दिए हैं? ये मुझे इन्होंने गिफ्ट की दिया। आपने क्या दिया इनको सचिन? मैंने कुछ नहीं दिया, मुझे यहाँ आए हुए साल हुआ है तो इन्होंने मुझे गिफ्ट किया है। हाँ। और बच्चों को भी चांदी के गिलास, पीतल के गिलास लाए हैं ताकि बच्चे दूध पिएंगे। हाँ। ये प्यार है, इसमें दिखावा नहीं है, क्योंकि हाँ। हमें साल हो गया तो हर किसी का गिफ्ट दिया इन्होंने। बच्चों को भी लॉकेट भी ला के दिया और मुझे ये राम जी के नाम का लॉकेट ला के दिया इन्होंने, जिसमें राम लिखा। काफी आप खुश है? बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। जितनी मैं यहाँ खुश हूँ ना, उसका 1% भी पाकिस्तान में खुश नहीं थी जी। चलिए, बाकी हमारे साथ आप दोनों लोग जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।